विनोद शंकर व्यास की कहानी। और अब उस दिन राज तिलक था। शताब्दियों से बने हुए नियम के अनुसार नंददेव अपनी पैतृक भूमि के राजा होंगे। प्रजा में बड़ा उत्साह था। बूढ़े मंत्री ने आकर कहा, महाराज शुभ मुहूर्त आ गया है, अब आप शीघ्र ही प्रस्तुत हो जाए। राज्यसभा में आंखें बिछाकर प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तरुण नंददेव ने मंत्री की ओर देखते हुए कहा, बूढ़े नागरिक, इस राज्य की पूर्ण स्थिति को जानते हुए भी मैं तुमसे पूछता हूँ कि ऐसे समय क्या यहाँ किसी राजा की आवश्यकता है। मंत्री ने नम्रता से झुक कर कहा, धर्मावतार, आपके प्रश्न के तात्पर्य को मैं नहीं समझ सका। प्रजा को राजा की आवश्यकता क्यों नहीं है? नंददेव ने उत्तेजित होकर कहा, इस राज्य में लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। मनुष्य मनुष्य को हिंस पशु के समान खाने दौड़ता है। ईर्ष्या, द्वेष और कलह का आतंक छा गया है। दरिद्रता के टूटे प्रासाद में विलासिता अपना श्रृंगार कर रही है। चोरी, हत्या और दुराचार बड़ी तीव्रता से बढ़ रहे हैं। जानते हो इसका कारण? मंत्री आंखें नीचे किए हुए चुप था। न्याय, शासन और नियमों का दुरुपयोग किया गया। राजा अपने कर्तव्य को भूल बैठा। प्रजा मनमाने मार्ग पर भटकती रही। अपने पूर्वजों के कलुषित जीवन के कारण आज लज्जा से मस्तक झुका लेना पड़ता है। और बूढ़े नागरिक, इन भयानक कार्यों में तुम्हारा कितना हाथ था, यह भी तुम भली भांति जानते हो। इतना कहते कहते नंददेव मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, अपने अपराधों के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। नंददेव ने कहा, तो चलो आज राज्यसभा में अपराधों का प्रायश्चित किया जाए। राज्य सिंहासन पर खड़े होकर नंददेव ने स्वाधीनता की घोषणा की। उन्होंने कहा, मुट्ठी भर अन्न के लिए आंचल पसारने वाले मेरे नासमझ भाइयों, आज आप लोग मुझे उस कलुषित राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने हेतु उपस्थित हुए हैं, जिस पर बैठकर मनुष्य स्वच्छंदता पूर्वक मनुष्य के ऊपर हजारों वर्षों से अत्याचार करता आ रहा है। मैं प्रसन्नता के साथ उसका त्याग करता हूँ। मैं आप लोगों का राजा नहीं, साथी हूँ, सेवक हूँ। मैं भी आप ही लोगों की तरह एक साधारण प्राणी हूँ। मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी करके कहता हूँ, कुसुमपुर के प्रत्येक नागरिक का सम्मान अधिकार है। भूमि, संपत्ति और राजा के अधिकार में जो कुछ धन है, उन सब में आप लोगों का बराबर हिस्सा है। जनता आश्चर्य से चकित हो उठी। गरीबों और किसानों ने धन्य है की पुकार मचा दी। गरीबों और किसानों ने धन्य है की पुकार मचाई। धनियों और पदाधिकारियों ने एक साथ कहा, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत समय बीत गया। कुसुमपुर में हाहाकार मचा था। बालक, युवक, वृद्ध और वनिताएं सब शोक में पड़े थे। नंददेव सदैव के लिए सबका साथ छोड़कर चले गए थे। कुसुमपुर का प्रत्येक पुरुष उस पवित्र आत्मा के लिए विलाप करता हुआ अर्ती के साथ गया था। श्यामला नदी के तट पर चंदन की चिता धधक रही थी। चैत्र पूर्णिमा थी। निशाकर प्रकाश की उज्जवल माला लेकर स्वागत कर रहे थे। प्रकृति अपना राग अलाप रही थी, ऐसा राग जिसे कभी अचानक सुनकर लोग कह बैठते हैं, आह, संसार में कुछ नहीं है। और अब चिता की उठती लपटें, टेढ़ी सीधी हिलती डोलती सी कुछ नहीं है के स्वर के ताल दे रही थी। ऐसे समय नंददेव का कीर्ति गान हो रहा था। राजा न होते भी वे कुसुमपुर के पथ प्रदर्शक थे। उनसे सबका स्नेह था। चिता जल चुकी थी। कुसुमपुर की प्रजा आश्चर्य, कुतूहल और शोक से देख रही थी। सबसे पहले उस बूढ़े मंत्री ने श्रद्धा से झुककर चिता की राख को अपने मस्तक पर लगाया। इसके बाद अन्य लोगों ने उसका अनुकरण किया। मंत्री ने अपनी झुकी हुई कमर को सीधी करने की चेष्टा में जनता की ओर देखते हुए कहा, गला साफ करके कहा, जंगल में जिस तरह पशुओं का शासक सिंह रहता है, उसी तरह देश में मनुष्यों का शासक
राजा होता है। भगवान ने मनुष्यों को पशुओं से अधिक समझदार बनाया है और इसीलिए पशुओं के राजा के समान मनुष्यों का राजा अब अपने प्रजा का भक्षक बन जाता है। तब अत्याचार की आलोचना होने लगती है, न्याय और अन्याय की मीमांसा होती है और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में यह प्रश्न उठने लगता है कि किसी के ऊपर किसी को शासन करने का क्या अधिकार है। ऐसा समय कुसुमपुर के इतिहास में अनेक बार आया है। महाराज नंददेव ने राजा के महत्व को अपने जीवन से समझा दिया था। अब कुसुमपुर के लिए हमें फिर एक शासक, एक राजा, एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता आ पड़ी है। जनता ने साहस से कहा, हमें राजा नहीं नंददेव चाहिए, हम स्वतंत्र हैं। इस घटना के बीते कई सौ वर्ष हो गए, तब से सैकड़ों बार राजा और प्रजा का झगड़ा उठा। परिस्थितियों ने कभी प्रजा और कभी राजा के पक्ष में अपना अभिमत दिया। और अब तो दोस्तों ये थी विनोद शंकर व्यास।